एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, प्रस्तुत है सामवेद भाग उड़ंचस, ऋचा संख्या 843, ऋषि कश्यप, कश्यप ऋषि देवताओं के पिता, जो इस जगत को ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, देवता सोम ईश्वर के अमृत रूप का वर्णन, छंद गायत्री तीन पंक्तियों में जो ऋचाएं गाई जाती हैं वे गायत्री छंद के अंतर्गत आती हैं। स्वर षड्ज, प्रथम स्वर सा, ओ आत्माओं का, पवित्र आत्माओं का मुझे प्रेम प्राप्त होवे। हे परम ब्रह्म, हे आदि देव, मेरे हृदय में तेरी झिलमिल झिलमिल ज्योति उतरे, तेरा प्रकाश मेरे हृदय में हमेशा हमेशा बना रहे। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। आ संख्या 844, ऋषि मेधातिथि। ऐसा ऋषि धर्म बुद्धि को जिसने अपना अतिथि बनाया हुआ है, यानी जो सदा ही पवित्र बुद्धि वाला है, देवता अग्नि ही ईश्वर के तेजोमय स्वरूप का वर्णन, छंद गायत्री स्वर षड्ज, अग्नि ना अग्नि ही समिध्यते, कविर ग्रहपतिर युवा, हव्येवाडजुहवास्य हव्येवाडजुहवास्य। हे परमेश्वर, तेरे ज्योतिर्मय स्वरूप से मेरा जीवात्मा भी ज्योतिर्मान होवे। हे परमेश्वर, मेरी आत्मा जन्म मरण में ना भटके, तेरा दिव्य मोक्ष धाम हे परम ब्रह्म मुझे प्राप्त होवे। ब्रह्म ज्योति से जीव होवे ज्योतिर्मान, पार ब्रह्म में पावे मोक्ष धाम।
पार ब्रह्म में पावे मोक्ष धाम। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। ऋचा संख्या 845। ऋषि मेरा तिथि, पवित्र बुद्धि वाला ऋषि। इस ऋचा का दृष्टा ऋषि है, देवता अग्नि ही। परमेश्वर के तेजोमय स्वरूप का वर्णन, छंद गायत्री, स्वर सड़जक। यस्त्वामग्ने हविष्पतिरदूतं देव सपरयति तस्य इस्म प्राविता भव, तस्य इस्म प्राविता भव। हे परमेश्वर, हे आदिदेव, जो तेरी आराधना करते हैं उनकी तो हमेशा रक्षा करना, वे दुर्गति में न जाके गिरें। हे परमेश्वर, इतना ध्यान रखना, इतनी करुणा करना। जो उपासक करते तेरी आराधना, उनकी तो रक्षा करना परमात्मा, उनकी तो रक्षा करना परमात्मा। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। ऋचा संख्या 846। ऋषि मेधा तिथि, पवित्र विचारों वाला ऋषि, धर्म बुद्धि वाला ऋषि। देवता अग्नि ही। परमेश्वर के तेजोमय स्वरूप का वर्णन, छंद गायत्री, स्वर सड़जह। यो अग्नि देव वीतये हविष्माम् आविवसति तस्मै पावक मृडय, तस्मै पावक मृडय। हे परमेश्वर, जो तेरा सेवक तेरे जगत की सेवा करता है, वह पुण्य आत्मा सब प्रकार के सुख और समृद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जो तेरा सेवक जग की सेवा करता, वो पुण्य आत्मा सुख प्राप्त करता।
वो पुण्यात्मा सुख प्राप्त करता। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। ऋचा संख्या 847। ऋषि मधुछंदा, ऐसा ऋषि जिसका हृदय ईश्वर के प्रेम की मिठास से भरा है। देवता मित्र वरुण था, परमेश्वर के मित्र रूप और आराध्य रूप का वर्णन छंद गायत्री स्वर सड़ज। मेत्रम हुवे पूत दक्षम वरुणम च ऋषादसम धियम द्रताचीम साधन्ता धियम द्रताचीम साधन्ता। प्राण अपान की साधना से यानी प्राणायाम की साधना से उस परम ब्रह्म की उपासना करो। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, ये पृथ्वी और आकाश ईश्वरीय ज्योति से भर जाएंगे। प्राणायाम से करो ब्रह्म उपासना, धरती गगन में हो जावे चांदना, धरती गगन में हो जावे चांदना। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। ऋचा संख्या 848। ऋषि मधुछंदा, ऐसा ऋषि जिसका हृदय ईश्वरीय प्रेम की मृदुता से भरा है। देवता मित्र वरुण का परमात्मा के मित्र जैसे और आराध्य इष्ट देव जैसे रूप का वर्णन छंद गायत्री स्वर सड़ज। रितेन मित्रा वरुण व्रता व्रधा व्रतस्य इस्पृशा क्रतुं ब्रहन्त माशति क्रतुं ब्रहन्त माशति। जिसका जीवन पुण्य में होता है, जिसके जीवन में पुण्य अधिक होते हैं, उसका जीवन यज्ञ जैसा दूसरों के परोपकार में अर्पित होता है। वह आत्मा
उस परम ब्रह्म में पहुंच के निर्मल हो जाती है। पुण्य यज्ञ में जिसका जीवन होता वो आत्मा ब्रह्म में निर्मल होता, वो आत्मा ब्रह्म में निर्मल होता। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। ऋचा संख्या 849, ऋषि मधु छंदा। ऐसा ऋषि जिसका अंतःकरण परमेश्वर के प्रेम से भरपूर है, देवता मित्र वरुणा ईश्वर के मित्र जैसे रूप का वर्णन और इष्ट देव रूप का वर्णन, छंद गायत्री स्वर सड़ज, कविनो मित्रारुणा तुवि जाता उरुक्षया, दक्षं दधाते अपसम, दक्षं दधाते अपसम। प्राणायाम की साधना से जीवात्मा पवित्र होता है और इसका निरंतर ब्रह्म रूप में विकास होता चला जाता है। वह पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं हृदय में आकर के निवास करने लगता है। प्राणायाम से पवित्र होवे विकास, पार ब्रह्म करता हृदय में निवास, पार ब्रह्म करता हृदय में निवास। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। ऋचा संख्या 850, ऋषि मधु छंदा। ऐसा ऋषि जिसका हृदय परमेश्वर के दिव्य प्रेम से भरा है, देवता इंद्र ईश्वर के सम्राट जैसे रूप का वर्णन, छंद गायत्री स्वर सड़ज, इंद्रेण संही द्रक्ष से संजगमानो अभिभूष, मंदो समान वर्चसा, मंदो समान वर्चसा। जो कोई उस परम ब्रह्म परमेश्वर से जुड़ जाता है, रूप और स्वभाव में वह
उस परमेश्वर जैसा ही बन जाता है। परमेश्वर से जो जुड़ जाता रूप स्वभाव में उस जैसा बन जाता, रूप स्वभाव में उस जैसा बन जाता। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। ऋचा संख्या 851। ऋषि मधुचंदा, ऐसा ऋषि जिसका अंतःकरण परमेश्वर के प्रेम की मधुरता से भरा है। देवता इंद्र का परमेश्वर के सम्राट जैसे रूप का वर्णन, छंद गायत्री, स्वर सड़ज दह स्वधामनु पुनर्गर्भत्व मेरी रे, दधाना नाम यज्ञयम्, दधाना नाम यज्ञयम्। उस पार ब्रह्म परमेश्वर को अपने हृदय में बसा लो, जिससे जन्म मृत्यु का ये चक्र नष्ट हो जावे और ये जीवात्मा हमेशा हमेशा के लिए उस परम ब्रह्म परमेश्वर की शरण में पहुंच जावे। परमेश्वर को हृदय में बैठाओ, जन्म मरण का चक्र मिटाओ, जन्म मरण का चक्र मिटाओ। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। ऋचा संख्या 852। ऋषि मधुचंदा, ऐसा ऋषि जो परमेश्वर के प्रेम में ओतप्रोत है। देवता इंद्र परमेश्वर के सम्राट जैसे रूप का वर्णन, छंद गायत्री, स्वर सड़ज, वीडुचिदारु जन्तु भीरगुहा चिदिन्द्रवहिन्ना भीह, अविन्द ओस्त्रिया अनु, अविन्द ओस्त्रिया अनु। वासनाएं हमारे जीवन में तोड़ फोड़ करती रहती हैं,
जब ये वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, नष्ट वासना उस प्रभु परमेश्वर से मिलने का जरिया, मिलने का कारण बनती हैं। वासनाएं जीवन में तोड़ फोड़ करती, नष्ट वासना प्रभु से मिलने का कारण बनती, नष्ट वासना प्रभु से मिलने का कारण बनती। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। ऋचा संख्या 853, ऋषि भारद्वाज, ऐसा ऋषि जिसने अपने अंतःकरण को ईश्वरीय ज्ञान और अमृत से भरा हुआ है। देवता इंद्राग्नि ईश्वर के सम्राट और तेजोमय स्वरूप का वर्णन, छंद गायत्री स्वर सड़ज योरिदं पपने विश्वं पुरा कृतम्। इंद्राग्नि नामर्गतः, इंद्राग्नि नामर्गतः। ज्ञान और शक्ति से ही जगत में सारे कार्य संपन्न होते हैं। ज्ञानवान पुरुष शक्तिवान पुरुष की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ज्ञान और शक्ति से सब काम होते, ज्ञानवान पुरुष पूर्ण काम होते, ज्ञानवान पुरुष पूर्ण काम होते। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। ऋचा संख्या 854, ऋषि भारद्वाज, ऐसा ऋषि जो परमेश्वर के ज्ञान से भरपूर है। देवता इंद्राग्नि परमेश्वर के सम्राट जैसे रूप का और तेजोमय स्वरूप का वर्णन, छंद गायत्री स्वर सड़ज उग्राग्नी नामृध, इंद्राग्नि हवा महे तानो मृडात ईदृशे, तानो मृडात ईदृशे। जो अपने मन से
बुराइयों को मिटा देता है, हिंसा को मिटा देता है। संसार में वो सबका अति प्रिय बन जाता है। जो हिंसा को मन से मिटाता, जग में सबका प्रिय बन जाता। जग में सबका प्रिय बन जाता। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। ऋचा संख्या 855। ऋषि भारद्वाज, ऐसा ऋषि जो परमेश्वर के प्रकाश से अमृत से भरपूर है। देवता अग्नि परमेश्वर के तेजोमय स्वरूप का वर्णन, छंद गायत्री, स्वर सड़जह, हतो व्रत्राणायारयः तो सादानि सतपति। हतो विश्वा अपद्विषः, हतो विश्वा अपद्विषः। हे परमेश्वर, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में, तीनों लोक में प्रकाश कर दे, रोग शोक संताप का विनाश कर दे। हे प्रभु, त्रिलोकी में कर प्रकाश, रोग शोक का कर दे तू नाश। रोग शोक का कर दे तू नाश। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। ऋचा संख्या 856। ऋषि सप्तऋषि, सप्तऋषियों की ये वाणी है। देवता सोम, ईश्वर के अमृत रूप का वर्णन, छंद बृहति, स्वर मध्यमः। अभि सोमास आयवः पवन्ते मध्यम मदम। समुद्रस्याधिविष्टपि मनीषिणो मत सारासो मदच्युतः। अमृत की कामना करने वाले तपस्वी जन सदा ही उस मोक्ष धाम में जाकर के स्थित होते हैं
उस मोक्ष सुख का वे सदा भोग करते हैं। अमृत कामी तपस्वी लोग मोक्ष पद का करते सदा भोग, मोक्ष पद का करते सदा भोग। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। ऋचा संख्या 857। ऋषि सप्तऋषि, सप्तऋषियों की वाणी, देवता सोम, परमेश्वर के अमृत रूप का वर्णन, छंद सतो बृहति, स्वर पंचमः। तरत समुद्रम पवमान अर्मिणा, राजा देवरितं बृहत्। अर्षमित्रस्य वरुणस्य धर्मणा प्रहिन्वान् ऋतं बृहत्। देवता बनकर उस महादेव परमात्मा की तरफ को चलो। हे आत्मा, उस परमेश्वर की तरफ को चलो जिसकी आराधना सभी देवगण अपनी अंतरात्मा में रात दिन करते रहते हैं। महादेव यानी देवों का देव वो परमात्मा परम ब्रह्म। देव बन कर चलो महादेव के निकट, हे आत्मा चलो पर ब्रह्म की तरफ। हे आत्मा चलो परम ब्रह्म की तरफ। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। ऋचा संख्या 858। ऋषि सप्तऋषि, सप्तऋषि मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलह, पुलस्त, क्रतु, वशिष्ठ आदि। देवता सोम, ईश्वर के अमृत रूप का वर्णन, छंद द्विपद विराट, स्वर पंचम। नृभिर ये माणो हरयतो विचक्षणो राजा, देव समुद्रय देव समुद्रय।
परमेश्वर का मित्र, सच्चा गुरु हमें साधारण आत्मा से देवात्मा बनाता है। ये आत्मा वैसी ही बन जाती है जैसा सच्चा गुरु इसका निर्माण करता है। गुरु हमें देव आत्मा बनाता, वैसा ही ये बनता जैसा गुरु बनाता, वैसा ही ये बनता जैसा गुरु बनाता। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष करते हृदय में उजियार। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष करते हृदय में उजियार। ऋषि पराशर, ऐसा ऋषि जो इस जगत और परा जगत दोनों जगत के ज्ञान को जानने वाला है, परा और अपरा दोनों विद्याओं को जो जानता है, लौकिक और अलौकिक ज्ञान से जो परिपूर्ण है, ऐसा ऋषि देवता सोम ईश्वर के अमृत रूप का वर्णन छंद त्रिष्टुप स्वर धैवतः तेस्त्रोवाच ईरयति प्रवहिन्नरेतस्य धीतिम ब्रह्मणो मनीषम गावो यन्ति गोपतिम प्रच्छमानः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः मतयो वावशानाः। ब्रह्मचर्य के पालन से वो परम ब्रह्म परमेश्वर मिलता है। ब्रह्मचर्य के पालन से मन बुद्धि और शरीर फूलों की तरह खिल जाते हैं। ब्रह्मचर्य से परमेश्वर मिलता, मन बुद्धि शरीर फूलों सा खिलता, मन बुद्धि शरीर फूलों सा खिलता। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष करते हृदय में उजियार। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष करते हृदय में उजियार। ऋचा संख्या 860। ऋषि पराशर, ऐसा ऋषि जिसको परा अपरा दोनों विद्याओं का ज्ञान है, आत्मा की विद्या और शरीर की विद्या दोनों को जो जानता है, देवता सोम
ईश्वर के अमृत रूप का वर्णन छंद त्रिष्टुप स्वर धैवता कर। सोमं गावो धेनवो वशानाः सोमं विप्रा मतिभिः प्रच्छमानाः सोमः सुता रेचते पूयमानः सोमे अर्का इस्त्रिष्टुभः सम्ना वन्ते। जब मैं उस परमेश्वर के निकट जाता हूँ तो उसकी दिव्य ज्योति से मेरी आत्मा भर जाती है। उसका अद्भुत प्रेम मुझे प्राप्त होता है। जीवन में मैं मौन होके रह जाता हूँ। जब मैं उसके समीप जाता दिव्य ज्योति से मैं भर जाता उसका अद्भुत प्रेम पाता। जीवन में मौन होके मैं रह जाता देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। हृदय में उजियार। हृदय में उजियार। ओम शांति शांति शांति। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा